तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए गेटी सोसाइटी लेकर आया हूँ जिसमें पूरी लाइन से विलास बने हुए हैं और फैमिलीज रह रही हैं। लाइट यहाँ आई हुई है ऑलरेडी, रोड वगैरह सब बने हुए हैं, रेडी टू मूव विलास के ऑप्शन है मेरे पास 100 स्क्वायर यार्ड में। जो आप देख रहे हैं मेरे सामने पूरा कंप्लीट है। आज आप लीजिए, कल रजिस्ट्री कराइए और रहना स्टार्ट कर दीजिए। रजिस्ट्री और मोटेशन दोनों अवेलेबल है, 80% लोन। मैं बात करता हूँ लोकेशन की, तो ये मेन जो रोड है आपका देख सकते हैं, बिल्कुल मेन रोड पर सोसाइटी होने वाली है। ट्रांसफार्मर सोसाइटी का लगा हुआ है ऑलरेडी, बाहर शॉप्स हैं, ये बाहर की मार्केट है और मार्केट के लिए पूरी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। बाहर रोड जा रहा है, मेन रोड से मुश्किल से 4 या 5 प्लॉट छोड़ने के साथ ही आपका ये 100 गज़ के विलास अवेलेबल है। अभी ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये हमने प्लॉट बाद में बनाने स्टार्ट करे, ये सारे सोल्ड आउट हैं 80-80 गज़ के, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हमारे पास 100 स्क्वायर यार्ड का मिल जाता है विला, जिसके अंदर 3 BHK 3 टॉयलेट हैं। और डायमेंशन की बात करूँ तो दोस्तों इसमें 20x45 का डायमेंशन आता है। ये जैसे हम एंटर करते हैं अपने विला के अंदर तो पार्किंग है, और राइट साइड में देखेंगे तो सामने वॉशरूम है, एक वॉश बेसिन लगा के दिया है, और एक ये बेडरूम आ जाता है अपना। पूरा अपना कंप्लीट काम करके, POP का सारा काम कंप्लीट करके दे रहे, टाइल्स पत्थर सब कुछ कंप्लीट है, ईच एंड एवरीथिंग, गेट वगैरह। ये अपनी पार्किंग है और गेट वगैरह लगा के, अगर मैं स्टेयर्स की बात करूँ तो SS की रेलिंग लगा के दे रहे, 3 फीट के करीब का आपका चौड़ाई है। अभी हम एंटर करते हैं अपने पार्किंग से, तो ये हमारा किचन आ जाता है सामने, आप देख रहे हैं मॉड्यूलर किचन है, पूरा कैबिनेट वगैरह बना के कंप्लीट POP के साथ। ये आपका एक तरीके से ओपन एरिया आ जाता है, जो आपका लिविंग डाइनिंग स्पेस आ जाता है, ठीक है। आप अपना सामने सोफ़ा वगैरह डाल के आराम से अपने यूज़ कर सकते हैं इसको, और सामने एक बेडरूम आ जाता है। अभी हमने इस बेडरूम के बीच में एक इस तरह का डिज़ाइन दे दिया, आप चाहें तो वॉल भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरा बेडरूम दिखा देता हूँ। दोनों बेडरूम के साथ पीछे अटैच वॉशरूम है, एक बेडरूम में अलमीरा कबर्ड वगैरह बना के दे रहे, आप देख सकते हैं सामने लकड़ी का काम करके दे रहे हैं POP वगैरह, और पीछे वाले गेट से अपना वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है। ये थर्ड बेडरूम है अपना, इसके साथ पीछे वॉशरूम दिया हुआ है अटैच, और वॉशिंग एरिया के लिए पीछे के लिए भी गेट दिया हुआ है। वेंटिलेशन मकान का बहुत अच्छा है, सिंप्लेक्स मकान है ये, ग्राउंड फ्लोर पर 3 BHK 3 टॉयलेट के साथ, प्लस वॉशिंग एरिया आप देखेंगे काफ़ी बड़ा है। मतलब ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वॉशिंग एरिया की, तो वो यहाँ पर बिल्कुल सॉल्व हो रही है। टाइल्स पत्थर पेंट सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट है। मुश्किल से 2 दिन का काम लगेगा, जिस दिन पेंट होगा उस फाइनल होगा टचअप, उस दिन ये सफाई हो जाएगी, पेंट वेंट सब करा हुआ है टाइल्स वगैरह। अगर मैं इसकी बात करूँ लोकेशन की, तो लोकेशन आ जाती है अछेजा ग्रेटर नोएडा, और सोसाइटी का नाम आ जाता है अपना रिद्धि एनक्लेव 3 के नाम से, जिसमें 45 लाख रुपये का मकान आता है, 20x45 100 गज के अंदर सिम्प्लेक्स। अगर आप चाहें तो 3rd फ्लोर तक बना सकते हैं, और लोन हो जाएगा आपका 80% तक, और 20% डाउन पेमेंट आएगी इसमें। और बाकी अगर लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ से मेन GT रोड 500 मीटर की दूरी पे है दोस्तों।